छोटे छोटे खंडां दे ते थोड़ी जिया बेनतियां, चूंकि ईटीसी चैनल ते मैनू जो उन्हां दी इतला सी नीतू सिंह जी दी, पूरा नाम उन्हां दा सुरेंद्र सिंह जी है, वो पंजाबी प्रोम दे डायरेक्टर ने, मैनू कहण लगे साढ़े छे इंच मिनट दा वासु जी दा भाषण रिकॉर्ड कराना, वो थोड़ी कथा दे नाल असी दिखाना है सारी दुनिया नूं कि दरबार साहब दे चे करिश्मा होया, अकाल तख्त ते ए करिश्मा होया। कहण लगे साढ़े छे मिनट तो असी ज्यादा नहीं दिखा सकांगे। उदन चूंकि इन्होंने घंटा बोलिया सी, वो फिर रील उन्होंने रख दिती है, ये नहीं दिखा सकांगे। तो साढ़े छे मिनट ये जो खास वाकया इन्हां नाल होया, धन गुरु रामदास जी महाराज की जो इन्हां ते बख्शिश हुई है, साढ़े छे मिनट का ईटीसी चैनल के जो कैमरामैन ने ये रिकॉर्ड करनगे। ये सारा प्रोग्राम इन्हां दा बोलिया होया ईटीसी चैनल तो जो गालवन 186 देशों दे ये सारा प्रोग्राम जांदा है। दुनिया देखेगी कि दरबार साहब दे अज भी जागदी जोत दे करिश्मे मौजूद ने, और अज भी ये वाक पूरा उतरदा है, डिठे सबे थां नहीं तुझे। इस थां दी अपनी बरकत, इस थां दी अपनी महिमा, ये साढ़े छे मिनट लई थोड़े सामने उस महान वाक्य का हिंदी भाषा दे जिक्र करनगे। मैं उस दिन भी अर्ज की थी सी, ये गुजराती ने या इंग्लिश बहुत अच्छी बोल लेंदे ने, अमेरिका दे रहे ने, साइंटिस्ट ने, पर मैं इन्होंने कहा इंग्लिश सारे समझ नहीं सकनगे, तो तुसी हिंदी दे ची जो है बोलो, ये थानू हिंदी दे बोल के दसणगे। ते तफसील नाल साइंस बारे जो समय उत्थे अमेरिका च रह के ये जो काम करदे रहे उहदी भी जानकारी आपनू शायद देन। उत्थे शायद पुणे की गल है किसी थां, इन्होंने मंगल ग्रह बारे बड़ा कुछ दसिया, चंद्रमा की बड़ी गहरी व्याख्या इन्होंने पेश की थी सी, क्योंकि साइंटिस्ट ने, तो उत्थे इन्होंने 15-20 मिनट खुले होणगे, ये सारिया विचारां उत्थे देणगे। हुण इन्हां कोल दरबार साहब अकाल तख्त दे कोल जो कमरा है जिथे अखंड पाठ इन्होंने रखाया सी, उत्थे जो करिश्मा होया है उहदे बारे आप नूं जानकारी देणगे। सारिआं दा हार्दिक तौर ते धन्नवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। करीबन 6.5 मिनट में मुझे आपको बताना है कि जो करिश्मा हुआ था वो क्या था। ये आप बीती की एक सही दास्तान है जिसके सारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी हैं, फोटोग्राफ्स हैं, नेगेटिव्स भी हैं, और मेडिकल रिपोर्ट्स भी अपनी एक ही आवाज में बोल रहे हैं। जो करिश्मा हुआ था इसके बारे में ही मैं बताऊंगा क्योंकि समय जा रहा है। वो दिन था May 5, 2002। मुझे यहां मेरे परिवार के लोग उठा करके ले आए थे, कभी थोड़ा चल सकता था, कभी फिर से उठाया जाता था, कभी कोशिश करता था कि मैं खुद ही चल के पहुंचूं, लेकिन ये मुमकिन न रहा और बाद में हमें उठाकर ही ले जाया गया। आप यहां अकाल तख्त जो देख रहे हैं इसके करीब दो निशान साहिब जो हैं उसके आगे जरा राइट में आप टर्न लोगे तो वहां सरदार विक्रम सिंह की याद में एक केबिन बनी हुई है, और ये केबिन में मेरा पाठ हुआ था, और उसमें लकड़ी का फर्नीचर थोड़ा ज्यादा है, और सरदार विक्रम सिंह जो लद्दाख के हीरो थे जिन्होंने अपनी जिंदगी समर्पित कर दी, और 22 नवंबर 1963 में
वो लड़ते लड़ते मारे गए थे. ही इज नोन एज हीरो ऑफ लद्दाख. मैं अंदर गया और केबिन में मैं लेटा हुआ था और लेटे लेटे मैं ये पाठ सुन रहा था. और 8:30 बजे ये पाठ जब शुरू हुआ तो मुझे अजीब से वाइब्रेशंस महसूस होने लगे थे. मैं बड़ी श्रद्धा से गया था उस वक्त जब गया था तब, क्योंकि मेरी सिस्टर इन लॉ ने और सरदार केसर सिंह साहब जो है सूरत में, जो होटल इंडस्ट्रियलिस्ट तो हैं ही गुरु कृपा से, लेकिन वहां के उजना सूरत गुरुद्वारा के प्रधान भी है, उनसे भी मैंने काफी जानकारी मूल मंत्र के बारे में, सिखिज्म के बारे में और गुरुबानी के बारे में प्राप्त की थी. जैसे दुखते को तिनके का सहारा होता है, तो हमने बड़ी श्रद्धा से वहां पाठ सुना. आपको मालूम है कि 7:30 घंटे के बाद शायद वो सुखमनी साहिब जी का पाठ शुरू होता है. और जैसे ही वो पाठ शुरू हुआ, हमें जो वाइब्रेशंस महसूस होते थे, इन इंग्लिश इट इज कॉल्ड द वेव्स ऑफ एनर्जी, वो एनर्जी वेव्स मेरे शरीर में प्रवेश कर रहे थे. मैंने इसलिए मेरी धर्मपत्नी को कहा कि तुसी मेरे से गल नहीं करो, मुझे डिस्टर्ब नहीं करो, मैं ये पाठ काफी एंजॉय कर रहा हूं. उसमें हिंदी उर्दू के अल्फाज भी होते हैं तो मैं उसके मतलब भी समझने लगा था. जैसे ही सुखमणि साहिब का पाठ आगे बढ़ा और भी मुझे एनर्जी वेव्स मिले. और ये जो दाहिना कान जो बंद था और डॉक्टरों ने ऑडियोग्राम रिपोर्ट्स में कई अलग अलग लेबोरेटरीज के रिपोर्ट हैं लिख के दिया है कि आप जिंदगी में कभी भी ये कान से नहीं सुन सकोगे, क्योंकि कान के नर्व्स जो हैं वो डेड हो चुके हैं कैंसर की वजह से और हड्डी की जो रचना है वो भी खत्म हो गई है. जैसे वो पाठ आगे बढ़ा, हमने और भी एक करिश्मा महसूस किया. पता नहीं मेरी बेटी को क्या ख्याल आया, मैं चौकड़ी मार्ग पर उस वक्त बैठ गया था, इसलिए बेटी सोच रही थी कि पापा देखने में अच्छे लगते हैं, मम्मी के पास बैठे हैं, तो वो तो एक मेमोरी पिक्चर लेने जा रही थी, उसका इरादा और कोई था नहीं. हमें तो पता ही नहीं था कि आगे क्या होने वाला है. और ये पाठ और आगे बढ़ते ही वहां से एक अचानक एक रोशनी हुई, एक ज्योत ऐसे ही प्रकट हो गई और थोड़ी वाइब्रेट होने के बाद वो स्टेडी भी हो गई. फिर वो मेरे पास आने लगी, जिसके फोटोग्राफ हैं, नेगेटिव हैं, और मेरे शरीर में ये उंगली पर प्रवेश कर गई. यहाँ से उसके दो हिस्से हुए थे और आगे बढ़ते बढ़ते ये शरीर में ऊपर कुछ वेव्स ऑफ एनर्जी आर एंटरिंग माई बॉडी. ये बिल्कुल पर्सनल प्राइवेट स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस होता है, आपको भी अलग सा होगा, यही नहीं कि यही हो. लेकिन ये जब एनर्जी वेव आगे बढ़ते गए, ये कान जो था जो 5 साल से बंद था, डॉक्टर कहते थे आपने कभी नहीं सुन पाओगे, वो सुखमनी साहिब का पाठ सुनते सुनते ये कान खुल गया. आज भी ये कान खुला हुआ है और मैं कथा कीर्तन एंजॉय करता हूं. जैसे ये पाठ आगे बढ़ता गया, फिर और भी एक अजीब सी बात हमने महसूस की. जो ज्योत आगे बढ़ी थी, मेरी बेटी ने 5-6 फोटो निकाले, इसमें से एक फोटो में ये ज्योत आप देख सकते हैं. आगे ये सरदर्द मुझे रहता था, यहाँ जो कैंसर का ट्यूमर है वो आज भी बना हुआ है, लेकिन अभी वो कैंसर का नहीं है, सिर्फ ट्यूमर है. जैसे ये मोल होता है वो भी एक ट्यूमर है, जिसको अंग्रेजी में बिनाइन ट्यूमर कहते हैं. कैंसर का ट्यूमर हो उसे मैलिग्नेंट ट्यूमर कहते हैं. तो अखंड पाठ के पहले के रिपोर्ट कहते हैं कि मैं कैंसर से खत्म हो जाऊंगा. अखंड पाठ के बाद के रिपोर्ट कहते हैं कहीं शरीर में कैंसर है नहीं. ये मैंने दावा नहीं करना है, ये मुझे कुछ भी नहीं क्लेम करना है, ये मेडिकल रिपोर्ट्स अपने आप बोल रहे हैं. और आज तो मेरे जो डॉक्टर जो थे, कैंसर स्पेशलिस्ट, चीफ कैंसर स्पेशलिस्ट, उन्होंने लिख कर दिया है, जो मैंने यहाँ पढ़कर भी उस दिन सुनाया था, कि जब मैं हिंदी में बता रहा हूँ, डॉक्टर के सीसा कहते हैं कि वासु भारद्वाज को कैंसर हुआ, इसलिए हम अगस्त 2001 से उन्हें कीमोथेरापी दे रहे थे. 6 कीमोथेरापी फेल हुई थी, यहाँ होल का निशान भी बना हुआ है. लेकिन जब से वो हरमिंदर साहब से वापस आए हैं,
हम तो यहां स्टेम सेल ट्रांसप्लांट की तैयारी करते थे, लेकिन जब से वो हरमिंदर साहब जाकर का अखंड पाठ अरदास करके वापस आए हैं, तब से उनके शरीर में हमने जहां जहां खोज चलाई हमें कहीं भी कैंसर देखने को नहीं मिला, इसलिए हमने स्टेम सेल ट्रांसप्लांट ड्रॉप कर दिया है। और वासु भारद्वाज एक तंदुरुस्त शख्स की तरह कोई भी तनावपूर्ण सिचुएशन में कोई भी काम कर सकते हैं, घूम सकते हैं, आंखों के चश्मे थे वो भी कम हो गए। और आप देख रहे हैं मैं 64 साल का हूं, I am 64, लेकिन मेरी गड्डी रिवर्स में जा रही है एंड आई एम एजिंग यूथफुली। और ये गुरु कृपा ही है, कृपा करके आप इसको चमत्कार नहीं कहिएगा, ये चमत्कार नहीं है, ये गुरु कृपा है। और मेरे पर जो गुरु कृपा हुई है इससे बढ़कर भी गुरु कृपा किसी पर भी हो सकती है, आप पर भी हो सकती है। और अरदास सुनने के लिए तो गुरु बैठे ही हैं, जैसे कबीर ने भी कहीं कहा है कि आप दिल से अरदास करो तो आप सुन सकते हैं, अरदास गुरु तक पहुंच भी सकती है। कबीर कहते हैं मस्जिद मुल्ला बांग पुकारे, क्या मेरा साहिब बहरा है, चींटी के पांव में नुकुर बाजे, वो भी मेरा साहिब सुनता है। तो ये अरदास तो डॉक्टर भी आज करने लगे, जो मुझे ट्रीट कर रहे थे गुरुवाणी वो भी पढ़ने लगे हैं, मरीजों को ये भी सलाह देते हैं, पढ़ाई के मुताबिक आपके दवा देते हैं, लेकिन आप हरमिंदर साहब जाकर के वहां अखंड पाठ और अरदास करोगे तो आपको भी जो वासु भारद्वाज के साथ हुआ ऐसी इससे भी बढ़कर गुरु कृपा हो सकती है। यही एक छोटा करिश्मा आपको भले लगे, बात वैसे तो छोटी है, कहानी छोटी है, लेकिन इसके पीछे जो बात छुपी हुई है वो बहुत ही बड़ी है। और ये ज्ञान मैंने मस्कीन जी के कैसेट्स वीडियो सीडी सुनकर पाया है, और आज भी जब भी उनकी आवाज सुनता हूँ आज घर में मुझे ऐसा लगता है गुरु मेरे मन में बसे हुए हैं। और गुरुबाणी में ये वचन भी गुरु ने दिया है, तीर्थ नावण जाओ, तीर्थ नाम है, तीर्थ शब्द विचार अंतर ज्ञान है। मैं अरदास करूं कि मेरी तरह आपका मन भी एक ऐसा तीर्थ बने और आप भी गुरुबाणी की सेवा में रहो। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु।